हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक माई न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारा न्यू अच्छे हो गए। सो सर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास है रियलमी का C35 या अगर आपके पास कोई सा भी यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन है, और अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि अपनी व्हाट्सअप पे जैसे कोई सा फोटो लगाते हो, फोटो के साथ अपना यहाँ पे लगाना चाहते हो म्यूजिक, जो आप चाहते हो म्यूजिक लगाना चाहते हो गाइस, या आपकी कोई वीडियो क्लिप है जो आपने बना रखी है और आप चाहते हो उस वीडियो क्लिप पर मैं यहाँ पे अपना कोई एक म्यूजिक सेट कर दूँ, तो आप किस तरह से कैसे यहाँ पे सेट कर पाओगे? तो वीडियो को पूरा वॉच करना गाइस, कोई भी स्टेप मिस मत करना। आप यहाँ पे आराम से समझ जाओगे आप किस तरह से यहाँ पे अपने वीडियो में या अपने फोटो में म्यूजिक लगा के अपने व्हाट्सअप पे लगा सकते हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखा दूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे आपका जो स्टेटस है शो होने वाला है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे अपने स्टेटस पर लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको चेक कराता हूँ गाइस किस तरह से यहाँ पे ये शो होता है। ठीक है, तब मैं जस्ट यहाँ मेरे को व्हाट्सअप आपको दिख रहा होगा, तो व्हाट्सअप पर जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा आपका। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप पे क्लिक किया तो देखो यहाँ लिखा हुआ माय स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं अपने यहाँ पे माय स्टेटस पे क्लिक करूँगा, तो देखो देख लेते हैं। सो गाइस, आपने यहाँ पे दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे स्टेटस देख ले होंगे, भोलेनाथ जी का एक फोटो वहाँ पे मैं गाइस एक म्यूजिक लगाया, और एक मेरी खुद की के वीडियो क्लिप है उस पर भी गाइस यहाँ पे मैंने देखो म्यूजिक लगा के आपको दिखाया। ठीक है, आप यहाँ पे आपने दोनों क्लिप देख भी ले होंगे। अब आप चाहते हो कि भाई इस तरह का स्टेटस बना तो आप कैसे बना पाओगे, तो उसके लिए गाइस आपको पता होगा कि हमें जो व्हाट्सअप है हमें कोई भी एक ऐसा फंक्शन नहीं देता कि जिससे गाइस हम डायरेक्टली लगा सकें। तो यहाँ पे गाइस आपको एक थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे फेसबुक की मदद से गाइस आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। तो फेसबुक गाइस आपको यहाँ पे देखो आपके फ़ोन मिल जाएगी, ऑलरेडी फेसबुक यूज भी करते होगे, तो नहीं करता तो अपना फेसबुक यहाँ पे अकाउंट बना लेकर फेसबुक से भी अगर नहीं बनाना चाहता तो इंस्टाग्राम से भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस है। ठीक है गाइस, सिंपल सा क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे मैं अपनी फेसबुक पे जस्ट क्लिक कर दूंगा। आपका जैसे यहाँ पे मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो देखो यार इस तरह का इंटरफेस गाइस यहाँ पे आ जाता है। आपका देख रहे होगे अभी आपने जो मेरी स्टोरी देखी थी वही स्टोरी गाइस यहाँ पे आपको दिख रही होगी, सॉरी मेरा जो व्हाट्सअप पे स्टेटस देखा था वही गाइस यहाँ पे मेरी स्टोरी लगी हुई है। तो गाइस यहाँ पे आप किस तरह से ये मैनेज कर पाओगे, तो सिंपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपको क्रिएट स्टोरी। आपका जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करूँगा तो देखो इस तरह का इंटरफेस गाइस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे फोटो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा फोटोस है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गैलरी का। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जिस कोई ऑप्शन आपके जो फोल्डर में फोटोज़ हैं, जो आपके पर्सनल फोटो हैं, जिस भी फोल्डर में आप कैमरे में इंस्टाग्राम में किसी में भी आपका जो पर्सनल फोटो है उस पर क्लिक करके जैसे आप यहाँ चाहो उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अगर जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया तो जो कई सारे यहाँ पर फोटोज़ डाउनलोड हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फिर भी मैं दोबारा भोलेनाथ जी का फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने यहाँ पर भोलेनाथ जी का फोटो लिया है, फोटो लेने के बाद गाइस अब देखो आपके सामने यहाँ पे देखो स्टिकर लिखा होगा। ठीक है, स्टिकर ये आपको दिख रहा होगा स्टिकर। अब गाइस यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टिकर पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आपको यहाँ पे इस तरह का दिख रहा होगा सबसे ऊपर स्टिकर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ गाइस आपको देखो मिलेगा म्यूजिक का एक ऑप्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाले म्यूजिक पे क्लिक करूँगा मैं, जैसे म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद गाइस देखो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो इस भोले जी के फोटो पर कोई भी यहाँ पर सॉन्ग लगा सकते हो, बाकी आप यहाँ पर सर्च करके भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने भोलेनाथ जी के पहले सर्च कर रखे थे तो यहाँ पर आ रखे हैं। ठीक है, आप चाहते हो यहाँ पे कोई और भी फोटो लगाना, अगर आपका कोई पर्सनल फोटो है तो यहाँ पे आप एटीट्यूड यहाँ पे सॉन्ग लगाना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ एटीट्यूड लिख दोगे गाइस यहाँ पे एटीट्यूड। ठीक है, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो एटीट्यूड के भी गाइस यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, जितने भी एटीट्यूड के होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, आप जैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ भोलेनाथ जी के लगाऊंगा क्योंकि भोले जी का फोटो है भोलेनाथ। आपका जैसे मैंने यहाँ पे देखो भोलेनाथ जी लिखा, देखो यहाँ पे आ चुका। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई सा भी एक यहाँ पे सॉन्ग ले लेता हूँ, यहाँ पे इसकी ट्राई कर। आपका देखो मुझे ये सॉन्ग चलो मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरे पे क्लिक कर लेता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे, ये थोड़ी अगर इंटरनेट आपका फास्ट होगा तो अच्छे से चल जाएगा, बाकी का अब गाइस देखो मेरे को यार ये सॉन्ग्स पसंद है, मैं चाहता हूँ हालांकि ऊपर वाला भी अच्छा था, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अब मैं इसी सॉन्ग पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, म्यूजिक प्ले पे नहीं करना, यहाँ पे आपको जो शिव तांडव लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर दे। अब
गैस आपको देखो यहाँ पे ये म्यूजिक सेट हो चुका है, अब आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को पसंद है ये, तो सिंपल सा गैस यहाँ पे देखो देखो डन लिखा हुआ है, इस पर डन पे जैसे आप शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो वीडियो क्लिप है यहाँ पे शेयर होकर यहाँ पे आपकी फेसबुक स्टोरी पे यहाँ पे यार ये लग जाएगी। ठीक है, अभी देखो प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है तो अभी हम देख लेते हैं। मैंने बिल्कुल भी वीडियो पोस्ट नहीं की है, जितना आप समय ले रहा है इंटरनेट की वजह से वो भी मैंने कहा बिल्कुल वीडियो को स्टॉप नहीं किया, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिनिशिंग हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये फिनिशिंग होगा, अब गाइस देखो यहाँ पे मेरी ये स्टोरी अब बिल्कुल लग चुकी है। गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा ऊपर आपको थ्री डॉट मिलेंगे, उन थ्री डॉट पे आप ऊपर जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे गाइस, ऊपर सबसे यहाँ पे आपकी जो आईडी के साइड में थ्री डॉट मिलने के बाद यहाँ आपको मिलेगा सेव वीडियो। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव वीडियो पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो वीडियो गाइस यहाँ पे देखो सेविंग होने लगी। यहाँ से सिंपल सा हमें बैक आ जाना है। अब जैसे हम यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी गैलरी में चले जाना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गैलरी। अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी गैलरी में जाऊँगा, आपका ये वीडियो एक मेरी फेसबुक के नाम से एक यहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा, वहाँ पे सेव हो गई होगी। ठीक है, देखो ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी देखो ये वीडियो मेरी आ चुकी है। ठीक है, अब सिंपल सा गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा गाइस यहाँ पे देख रहे होगे, आप यहाँ से यूज़ करके भी देख सकते हो साउंड वगैरह। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है शेयर का एक ऑप्शन, ये दिख रहा होगा यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन, अब जस्ट यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपका जैसे आप अपने शेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो व्हाट्सअप आपको मिल जाएगा। अब बस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाट्सअप के बाद यहाँ पे आपको माई स्टोरी से आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, आपको जैसे यहाँ पे आपको करना है बस यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना। यहाँ से आप जो भी कुछ यहाँ पे करना चाहते हो वो अपना कर सकते हो भोले जी के लिए, और यहाँ से बस शेयर पे क्लिक कर देना। और बस यहाँ पे ये आपके जो व्हाट्सअप पे यहाँ पे बस ये लग चुका जाके। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने वीडियो तो थोड़ा बड़ा बना दिया बट यार आपको आराम से यहाँ से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो होप करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया प्लीज़ भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस कर देना, तुम्हारा भाई मिलेगा और इंटरेस्ट में। ठीक है, बंदे लगाते, लव यू ऑल।